और इस गांव की जो पंचायत थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम किसानों का साथ देंगे ना कि बीजेपी सरकार का साथ देंगे। जो यहां के प्रदेशाध्यक्ष हैं दड़कड़, वो कल बोलते थे कि मुट्ठी भर किसान है, तो ये मुट्ठी भर किसान ही आपके लिए सरदर्द भरे रहेंगे। जब आज गांव तेपड़ा, साहा, अंबाला के अंदर सीएम का प्रोग्राम फिर से कैंसिल हुआ है। नमस्कार सभी को। ये गांव तेपड़ा है जी, जहां पर आज सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम होना था, तो जो किसान यूनियन के सदस्य थे वो पहले ही यहां पर पहुंच चुके थे उनके आने के पहले, और कार्यक्रम रद्द हो चुका है। लेकिन मैं आपको विशेषता बताता हूं कि जहां भी किसान यूनियन का प्रोग्राम होता है किसान वहां पर चाय और पानी की व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। और इस गांव की जो पंचायत थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम किसानों का साथ देंगे ना कि बीजेपी सरकार का साथ देंगे। जो यहां के प्रदेशाध्यक्ष हैं दड़कड़, वो कल बोलते थे कि मुट्ठी भर किसान है, तो ये मुट्ठी भर किसान ही आपके लिए सरदर्द भरे रहेंगे जब तक तीन काले कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। आज गांव तेपड़ा, साहा, अंबाला के अंदर सीएम का प्रोग्राम फिर से कैंसिल हुआ है। नमस्कार, ये हैं जय सिंह जी जलवेड़ा, नवदीप वाटर कैनन वाली के पिताजी। आज यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो रद्द हो चुका है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जो आज गांव तेपड़ा के अंदर एक मैसा नड़ाने वाला जोड़ा आया जिसमें मैं सना वहां, उसका उद्घाटन करने वास्ता हरियाणा का मुख्यमंत्री आवा कोई धुप नहीं बनता, पर चला फिर भी अगर जब आंदे तो उनका स्वागत काले झंडे गल हों। और मोदी सरकार मुर्दाबाद इन नारा गल हों, पर हम कहना चाह सरकार बहुत हिंड कर ली कि मन जो जै थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो अपनी बचाकर रखो, और जो सरकार किसानों के ऊपर तीन काले कानून थोपे हैं उन्हें रद्द करा, और एमएसपी गारंटी कानून इन्हू दे, इस तरह के काम ना करो भी जोड़े के उद्घाटन करने हैं या किसी नालियां के उद्घाटन करने हैं, अच्छे काम करो, कानून रद्द करो, एमएसपी गारंटी कानून दो। आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान यहां आए हुए हैं। यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी का प्रोग्राम था गांव तेपड़ा में, रद्द हो चुका है जी, इसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे जी? मैं सबसे पहले गांव तेपड़ा के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी शक्ति के साथ प्रशासन को बोला कि हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, अगर सरकार जबरदस्ती प्रोग्राम करना चाहेगी तो हम अपने गाँव के रास्ते बंद कर देंगे। उन्होंने पूर्ण तौर पर कहा कि हम किसान यूनियन के साथ हैं, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम किसी भी बीजेपी के लीडर का प्रोग्राम, खट्टर हो कोई हो, किसी का भी प्रोग्राम होगा, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे।